दोस्तों, इस नौजवान की बातों पर गौर कीजिए जरा और सोचिए कि ये क्या कह रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पहले सुने, मुकम्मल सुने। लोग हमसे पूछते हैं कि जंग तो फलस्तीन में हो रहा, जुल्म तो फलस्तीन में हो रहा, बच्चे तो फलस्तीन में कत्ल हो रहे हैं, खून तो वहां जा रहा है, आप कलकत्ता में आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? तो मैं इस बात का जवाब देता हूं कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और एक दूसरे से रिश्ता इस मानिंद है जैसे शरीर के दूसरे हिस्से में अगर तकलीफ होते हैं तो उस तकलीफ का एहसास शरीर के दूसरे हिस्से में भी होता है। मतलब अगर मेरा हाथ कट गया तो मेरे शरीर का पूरा हिस्सा तकलीफ में गुजरेगा। तो ठीक उसी तरह उम्मते नबी वहां भी है, उम्मते नबी दुनिया के कोने कोने में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम